तो दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल? बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं गाइस। लगभग लगभग एक महीना हो चुका है। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट एनएफसी के बारे में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और अभी मैं थोड़ा बिजी था। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मैं क्यों बिजी था। तो अभी नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करें तो भाई नॉर्थ एनएफसी जो है गाइस बेंगलुरु एफसी के साथ 1-1 ड्रॉ खेल के जो है गाइस 4 तारीख को अभी ईस्ट बंगाल के साथ खेलने वाला है। तो जो ड्रॉ खेला था बेंगलुरु एफसी के साथ उसी के बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। तो आपको तो पता ही है भाई हमारा गोल कीपर मिर्शाद मिको कितने सारे गलती वगैरह कर रहा है भाई, कितने सारे मिस्टेक्स कर रहे हैं। अभी जो भाई उड़ीसा के साथ हारा उसमें भी मिर्शाद मिको ने बहुत ही बड़ा मिस्टेक किया था। और भाई जो बेंगलुरु के साथ मैच ड्रॉ खेला है उसमें भी बहुत ही मिर्शाद मिको के बहुत ही बड़ा मिस्टेक की वजह से नॉर्थ ईस्ट को जो है 2 पॉइंट गंवाना पड़ा। नहीं तो भाई हमें 3 पॉइंट तो हमें ऐसे ही मिल जाता। और बाकी भाई जीथिन एमएस, भाई जीथिन एमएस के बारे में तो पहले ही बता चुका हूँ कि जीथिन एमएस आईएसएल लेवल का प्लेयर नहीं है, उनको चेंज करो और एक अच्छा प्लेयर को लाओ। बाकी भाई रिडीम तलंग और छारा जैसे प्लेयर भी है लेकिन उनको गेम टाइम ही नहीं दे रहे हैं ना, जॉन पेड्रो बना ले। बाकी मिर्शाद मिको के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और मैं आपको कुछ गोलकीपर का नाम भी बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही अच्छा गोलकीपर्स है। और अब बस आज के लिए इतना ही गाइस। मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ इसलिए भाई वीडियो वगैरह अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी भाई अभी मैं थोड़ा बैठा था इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं किया, लगभग लगभग भाई एक महीना ही हो गया है। तो भाई देखते हैं भाई क्या होता है नेक्स्ट मैच में, नॉर्थ ईस्ट जीतता है कि नहीं। बाकी आप लोग चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको अलविदा। जय हिंद, जय भारत।